हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आज टीवी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, पिछले कई दिनों से एक न्यूज सरफेस हो रही है और मैं ज़रूरी समझता हूँ कि आप लोगों के साथ वो साझा होनी चाहिए, शेयर होनी चाहिए। दोस्तों, कि जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल क्लाइमेट के काफ़ी ज़्यादा प्रभाव किसानों की खेती पर देखने को मिल रहे हैं। जैसा कि आप अभी आपने देखा होगा कि नॉर्थ इंडिया में, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल में वीट की क्रॉप जब बिल्कुल हार्वेस्ट के लिए तैयार थी तो काफ़ी ज़्यादा डैमेज क्रॉप में हुआ है बारिश और जो ओले पड़ते हैं, हेलस्ट्रॉम आप कह सकते हैं, इनकी वजह से। और ये डैमेज दोस्तों 15 से 20% तक रिपोर्ट किया गया है कि क्रॉप में इस हद तक डैमेज हो सकता है। तो दोस्तों, इसी को देखते हुए अलग अलग राज्यों की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन्होंने कमर कस ली है कि वो आगे ऐसे प्रोडक्ट्स लेके आएंगे मार्केट में जिनसे वो इस तरह की डैमेज को कुछ हद तक कम कर सकें या फिर क्लाइमेट में होने वाले चेंजेस से अपनी क्रॉप्स को बचा सकें। तो इसी कड़ी में बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, जो भागलपुर में उनका जो यूनिवर्सिटी मौजूद है, उन्होंने दोस्तों दो ऐसे प्रोडक्ट डिज़ाइन किए हैं और वो कह रहे हैं कि ये प्रोडक्ट किसान की जो इनकम कॉस्ट है उसको काफ़ी हद तक कम करेंगे और इन जो इस तरह के डैमेज होते हैं इससे भी क्रॉप को काफ़ी ज़्यादा हद तक ही बचाने में हेल्प करेंगे। तो दोस्तों, ये जो दो प्रोडक्ट हैं वो मैं आपके साथ जिक्र करना चाहूँगा, थोड़ा सा इनके बारे में बताना चाहूँगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। दोस्तों, BAU यानी बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी साइंटिस्ट ने यहाँ के दो प्रोडक्ट डिज़ाइन किए हैं और एक प्रोडक्ट का नाम है दोस्तों नैनो फॉस्फोरस और दूसरा दोस्तों प्रोडक्ट है, इन्होंने इसको हाइड्रोजेल कहा है। और हाइड्रोजेल ऐसे तो पहले भी ट्रेंड में था, तो इन्होंने दो प्रोडक्ट बनाने का दावा किया है और इन्होंने इन दोनों प्रोडक्ट्स के लिए पेटेंट भी फाइल किया है कि इनको इसका पेटेंट मिल जाए, फिर ये ही इस पर अपना एक तरह से काबू रख सके, कंट्रोल रख सके। तो एक एक करके हम इन दोनों प्रोडक्ट को थोड़ा सा आपके साथ बताना चाहूँगा। दोस्तों, जो नैनो फॉस्फोरस होता है बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि इफको कंपनी ने नैनो यूरिया, फिर आप कह सकते हैं कभी नैनो DAP बनाया था। क्योंकि दोस्तों फॉस्फोरस एक ऐसा कंपोनेंट है जब हमारी क्रॉप मैच्योरिटी की तरफ बढ़ती है या फिर हमारी रूट डेवलपमेंट के लिए फॉस्फोरस कंपोनेंट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, उसके कई बार शॉर्टेज से स्कोचिंग वगैरह के सिम्पटम देखने को मिलते हैं। तो इसी से बचने के लिए बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी ने नैनो फॉस्फोरस बनाया है, यानी कि फॉस्फोरस का जो पार्टिकल साइज़ है उसे कम कर दिया है और उसे लिक्विड फॉर्म में लेके आए हैं। जैसे कि इफको ने पहले नैनो यूरिया लेके आए थे और अभी वो नैनो DAP मार्केट में लेके आए हैं। इन दोनों के ऊपर हमने अपने इस चैनल पे भी डिस्कस किया है, वीडियोस बनाई, आप जाकर उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। और दूसरा जो प्रोडक्ट है दोस्तों, एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जिसका नाम है हाइड्रोजेल। हाइड्रो मीन्स वाटर से रिलेटेड ये टर्म है और जेल आप कह सकते हैं कि जेल की तरह इसका शेप या फिर आप कह सकते हैं कि इसका पार्टिकल साइज होता है। हाइड्रोजेल दोस्तों पहले भी इस तरह से एग्रीकल्चर में और अलग अलग फील्ड्स में यूज हुआ है। दोस्तों, हाइड्रोजेल क्या करता है कि एक ऐसा प्रोडक्ट होता है, ऐसा एक आइटम होता है जिसमें गजब की क्वालिटी होती है कि पानी को जबरदस्त तरीके से एब्जॉर्ब करता है और रिटेन करके रखता है। हाइड्रोजेल के अंदर पानी की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा होती है और जब जब ड्रॉट या फिर सूखा पड़ता है तो पानी को स्लोली रिलीज करता है। और हाइड्रोजेल काफ़ी अच्छा एक कंसेप्ट है, अगर इसको एग्रीकल्चर में लाया गया तो फिर जहाँ पर पानी की शॉर्टेज है या फिर कहीं कहीं पर सूखे पड़ते हैं, ड्रॉट पड़ते हैं, तो वहाँ पर अगर हाइड्रोजेल इन्होंने मीडिया में यूज की है या फिर अपने रूट प्लांटिंग मटेरियल में यूज की है तो वहाँ पर दोस्तों फिर इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा होने के चांसेस हैं और जो क्रॉप में सूखे से फिर ड्रॉट से प्रॉब्लम हो सकते हैं तो उससे काफ़ी ज़्यादा हद तक इसे बचाया जा सकता है। इन्होंने दोस्तों ऐसे एरियाज में जो एरिड जोन्स होते हैं जहाँ पर बारिश बहुत कम होती है और वहाँ पर वेपोराइजेशन काफ़ी ज़्यादा होता है, जैसे कि राजस्थान से मिलते जुलते जो एरियाज हैं वहाँ के लिए इन्होंने ये प्रोडक्ट डिज़ाइन किया है। ये दो प्रोडक्ट नैनो फॉस्फोरस और इसके बाद हाइड्रोजेल, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने ये प्रोडक्ट बनाया और इसके पेटेंट के लिए उन्होंने फाइल किया है। तो देखते हैं आगे चल के ये प्रोडक्ट किस हद तक किसान के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। हम इस चैनल के माध्यम से कोशिश करेंगे कि आपको इन तरह के अपडेट से अपडेटेड रखें। तो अभी के लिए दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आपसे जल्दी ही मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।